हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा काशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर हरदा डिग्री कॉलेज हरदा के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आई हूं, वो फाइनल ईयर के सभी स्टूडेंट्स के लिए जो फाउंडेशन कोर्स है आपका, उसका जो हिंदी है उसका वीडियो लेकर आई हूँ। उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आज हम लोग वो समझेंगे, ठीक है। अब सबसे पहला आपका आता है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें पूछा गया है कि मेरे सहयात्री जो दिया हुआ है वो क्या है, निबंध है, यात्रा वृतांत है, संस्मरण है या रेखा चित्र है। तो ये क्या है, यात्रा वृतांत है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो विकल्प आता है आपका, ये है कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है, मतलब ये एक मुहावरा है, आपको इसका अर्थ बताना है। तो इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, गुदड़ी का लाल, आस्तीन का सांप, आंखों का तारा और आंख का तारा और गांठ का पूरा। तो इसका जो है सही आंसर आस्तीन का सांप है, ठीक है। इसके बाद आपका तीसरा वाला आता है, जनसंचार का सबसे प्रभावी माध्यम है। तो जनसंचार का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है, अखबार, पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें या दूरदर्शन। तो स्टूडेंट्स, दूरदर्शन जो है वो सबसे प्रभावी माध्यम है जनसंचार का, ठीक है। इसके बाद आपका आता है ज्ञापन शैली होती है, ज्ञापन शैली जो होती है वो उत्तम पुरुष में होती है, मध्यम पुरुष में होती है या अन्य पुरुष में होती है या इनमें से कोई नहीं। तो आपकी ज्ञापन शैली जो होती है वो अन्य पुरुष में होती है, ठीक है। इसके बाद आपको पूछा गया है अगला विकल्प, पंचशील का संबंध है। तो पंचशील का संबंध, ये तो अपने को पता है कि पंचशील के सिद्धांत जो है वो किसने दिए थे, बौद्ध धर्म ने, है ना। तो बौद्ध धर्म से आए हैं वो, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, बौद्ध धर्म से, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म और इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या आएगा, बौद्ध धर्म। इसके बाद आपके आते हैं जो अगला प्रश्न जो आपका आता है कि लघुत्तरीय प्रश्न है आपके, है ना। इसे पेपर का पैटर्न जो है ना आपका, उस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे उसके बाद आप लोगों को। तो लघुत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न आपका आएगा, प्रेम और श्रद्धा में अंतर क्या है। तो प्रेम क्या होता है, प्रेम स्थायी रूप से मानव के अंदर जो है वो विद्यमान होता है, चिर स्थायी मानवीय गुण है वो, और क्षण क्षण घटने बढ़ने वाला प्रेम सच्चा प्रेम नहीं होता है, है ना, क्योंकि वो स्थायी रूप से होता है। अगर घटना बढ़ रहा है तो वो प्रेम नहीं है। तो सच्चे प्रेम में समर्पण की झलक मिलती है, प्रेम विश्व की सबसे बड़ी शक्ति होती है, और श्रद्धा से क्या आशय है, श्रद्धा जो होती है वो हम ईश्वर के प्रति, गुरुजन के प्रति, श्रेष्ठ जनों के प्रति सच्चा प्रेम, आदर भाव, सच्चा विश्वास, सच्ची निष्ठा प्रदर्शित करना श्रद्धा का कार्य ही मनुष्य की सफलता की कुंजी है। इसके बाद आपका आता है अगला प्रश्न, परिपत्र की भाषा की विशेषताएं जो है क्या है। तो परिपत्र किसे कहते हैं, परिपत्र के कुछ उदाहरण हैं। तो परिपत्र उस पत्र को कहते हैं जो कार्यालय में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को प्रसारित किया जाता है, है ना, और प्रसारित करने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसको परिपत्र कहते हैं। परिपत्र द्वारा कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों को किसी सूचना के बारे में सूचित किया जाता है। परिपत्र का संबंध किसी एक व्यक्ति से ना होकर कर्मचारियों से होता है, मतलब सभी से होता है इसका संबंध कार्यालय से संबंधित सभी विभागों, अन्य कार्यालयों, कर्मचारियों, गैर कर्मचारी व्यक्तियों से होता है। परिपत्र का संबंध मूल अधिकारी को होता है, लेकिन इसका प्रसारण सभी के लिए करना होता है। इसके बाद आता है आपका, परिपत्र का संबंध निम्नलिखित बातों से होता है। तो इसमें जो होता है, आग्रह पूर्ण निर्देश या सूचना रहती है। परिपत्र जिस संबंध में रहता है उसका पूर्ण विवरण रहता है, भाषा सरल, स्पष्ट और जन सामान्य के योग्य होती है। और परिपत्र की शैली कार्यालयीन पत्रों के समान होती है। एक परिपत्र में एक ही विषय होता है, ठीक है, और इसमें जो ध्यान देने योग्य बातें हैं वो क्या होती है कि परिपत्र सदैव उच्च कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भेजा जाता है, ठीक है। किसको भेजा जाता है, उच्च कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भेजा जाता है, और उसमें आदेश, सूचनाएं आदि परिपत्र द्वारा भेजी जाती है।
नवीन निर्णय अगर लिया गया है तो उसकी सूचना दी जाती है, विशेष प्रस्ताव की सूचना दी जाती है, किसी परिवर्तन के लिए आदेश दिया जाता है, विशेष रियायत दी जाती है, अन्य किसी विषय से संबंध। ठीक है, इसके बाद आपका आता है अगला क्वेश्चन, दूरभाष को विज्ञान की सौगात क्यों कहा गया है। तो दूरभाष विज्ञान की सौगात टेलीफोन वर्तमान सूचना क्रांति का मूल आधार है। एसटीडी यानी सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग सेवा के माध्यम से हम देश के कोने से एक कोने से दूसरे कोने तक संदेश पहुंचा सकते हैं। ये तो हम सभी को पता है कि हम टेलीफोन के द्वारा जो है कन्वर्सेशन करके संप्रेषण करके एक जगह से दूसरी जगह अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान कर लेते हैं। इस सुविधा में प्रत्येक शहर का एक कोड नंबर होता है, मतलब एसटीडी कोड होता है, जिन्हें व्यक्ति नंबर से पहले डायल कर व्यक्ति को उसके नंबर डायल करने से पहले एसटीडी कोड डालना होता है, उसके बाद जो है नंबर डायल करना होता है। इसी प्रकार ISD अर्थात इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग भी एक देश से दूसरे देश में फोन पर बात करने की सुविधाएं देता है। एसटीडी ने जहां हमें देश के कोने से एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ दिया है, वही ISD के माध्यम से हम पलक झपकते ही विश्व के किसी कोने से संदेश ले और दे सकते हैं, मतलब विश्व में हम कहीं से भी संदेश लेना देना कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है कार्यालयीन पत्र से क्या आशय है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो कार्यालय में कार्य प्रणाली की एक निश्चित विधि होती है, इस विधि के अनुसार कार्यालयों के पत्रों के प्रारूप अथवा आलेखों की रूपरेखा भी प्रायः निश्चित होती है। जो पत्र एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय अथवा दो राज्य सरकारों के बीच, विदेशी सरकारों के बीच, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के बीच, सरकारी या गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं के बीच अथवा जनसाधारण के साथ संबंध स्थापना हेतु परस्पर प्रेषित किए जाते हैं, उन्हें सरकारी या कार्यालयीन पत्र कहा जाता है। कार्यालय से हमारा आशय किसी सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी उस स्थान विशेष से है जहां से प्रशासनिक व्यवस्था की जाती है, इसलिए इन्हें शासकीय या प्रशासकीय पत्र भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, निमाड़ में कितने प्रकार के नृत्य प्रचलित है स्पष्ट कीजिए। तो निमाड़ लोक जीवन में नृत्यों का महत्वपूर्ण स्थान है, यहाँ के प्रमुख नृत्य निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले आता है आपका गणगौर। निमाड़ क्षेत्र में चैत्रवदी दशमी से 9 दिन तक गणगौर का उत्सव मनाया जाता है। इसके बाद दूसरा आता है आड़ा खड़ा नाच, यह निमाड़ के विवाह के अवसर पर प्रमुख रूप से किया जाता है। फिर आता है डंडा नाच, यह चैत्र वैशाख की रात में विशेषतः गणगौर पर्व पर निमाड़ के किसान डंडा नाच करते हैं। फिर आता है आपका काठी नृत्य, निमाड़ का पारंपरिक लोक नृत्य है। फेफारिया नाच पारंपरिक समूह नाच है, इसमें स्त्री और पुरुष जोड़ी बनाकर गोल घेरे में नाचते हैं। इसके बाद है मांडल्या नाच, तो मांडल्या नाच ढोल पर किया जाता है, यह एक पारंपरिक समूह नृत्य है। इसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा एवं ढिमराई नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है। ये ढिमराई नृत्य जो है वो बुंदेलखंड में ढिमराई नृत्य शादी ब्याह एवं नौ दुर्गा के अवसर पर ढीमर जाति के द्वारा किया जाता है। दौड़ना, पंजों के बल चलना, मृदंग की थाप पर नाचना, पदाघात करना, द्रुत गति से चक्कर लगाना इस नृत्य की विशेषताएं हैं। द्रुत गति मतलब क्या होता है, बहुत तेज गति से। ठीक है, इसके बाद आपका आता है अगला क्वेश्चन, मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मुहावरे में, मुहावरे संक्षिप्त होते हैं, लोकोक्तियां जो है वो विस्तृत होती है। विस्तृत यानी क्या होता है, बड़ा, और संक्षिप्त यानी क्या होता है, छोटा। ठीक है, इसके बाद अगला आता है अंतर, इनके अंत में प्रायः ना होता है। किसके अंत में, मुहावरे के अंत में ना होता है। इसके बाद इसमें लोकोक्तियों में क्या होता है, इसके अंत में ना नहीं होता है। मुहावरे जो है वो क्रियार्थक होते हैं और लोकोक्तियां क्रियार्थक नहीं होती है। मुहावरे विकारी होते हैं, कर्ता, लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार बदल जाते हैं और
ये जो होती है लोकोक्तियां, ये क्या होती है? अविकारी होती है। ये लिंग वचन आदि के अनुसार बदलने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसमें मुहावरे वाक्यांश होते हैं, लोकोक्तियां वाक्य रूप में होती है। मुहावरे गद्य में होते हैं, लोकोक्तियां गद्य एवं पद्य दोनों में ही होती है। मुहावरे लक्षणाशक्ति पर आधारित होते हैं, लोकोक्तियों में अभिधेय था यार्थ को महत्व दिया जाता है। किसको? अभिधेयार्थ को महत्व दिया जाता है। मुहावरे का क्षेत्र एक वाक्य का होता है, लोकोक्ति की व्याप्ति कई वाक्यों तक पहुंचती है। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन आता है, खोजी पत्रकारिता क्या है, स्पष्ट करते हुए एक निबंध लिखिए। तो खोजी पत्रकारिता जो होती है, किसी समाचार को साक्ष्य एवं तथ्यपूर्ण बनाने के लिए जब पत्रकार अपने स्वयं के बल पर इस जानकारियों को खोज निकालता है, जो जानकारियां सामान्य जन के संज्ञान में नहीं होती है, किसी को भी पता नहीं होती, लेकिन सार्वजनिक महत्व की होती है, वह खोजी पत्रकारिता कहलाती है। मतलब वो अपने स्तर से खोजबीन करके पता लगाता है। खोजी पत्रकारिता का आरंभ अमेरिका से माना गया है तथा जोसेफ पुलित्ज़र, जो कि न्यूयॉर्क वर्ल्ड के संपादक थे, इनको इसका जनक समझा जाता है। पत्रकारिता की यह महत्वपूर्ण विधा विश्व के प्रायः सभी देशों में खूब फल फूल रही है। भारत में भी खोजी पत्रकारिता की दिशा में नए उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार अरुण शौरी द्वारा वो फोर्स कांड का उद्घाटन और तहलका.com के रहस्योद्घाटन सभी की स्मृति में होंगे। भारत में खोजी पत्रकारिता का प्रारंभ जो है वो जुगवाणी नामक पत्रिका से हुआ था, जिसे देवव्रत नामक युवक ने प्रारंभ किया था। किसने प्रारंभ किया था? देवव्रत नामक युवक ने प्रारंभ किया था। सरकारी तंत्र के विरुद्ध उन्होंने खोजी पत्रकारों को अपना साथी बनाया और कालांतर में जुगांतर नामक अखबार में दमन और अत्याचार के विरुद्ध खोजी पत्रकारिता को अपना अस्त्र बनाया। या आर के करंजिया ने मुंबई से प्रकाशित ब्लिट्ज अखबार द्वारा खोजी पत्रकारिता को नया आयाम दिया। विगत कुछ दशकों से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों जैसे रेडियो टेलीविजन के बढ़ते प्रभाव के चलते खोजी पत्रकारिता को एक सशक्त माध्यम मिल गया। सच की परछाइयां, हेलो जगह, जिंदगी, घूमता आईना, दूसरा रुख जैसे टेलीविजन कार्यक्रम अपनी खोजी रिपोर्ट के कारण लोकप्रिय रहे। इंटरनेट पत्रकारिता में भी खोजी पत्रकारिता के आयामों को नई दिशा प्रदान की है। इस संबंध में तहलका.com नामक वेब पत्र द्वारा रक्षा सौदों में घूसखोरी संबंधी रिपोर्ट का उल्लेख किया जाता है। वर्तमान में खोजी पत्रकारिता ने भ्रष्टाचारों को उजागर किया है। इस प्रकार की पत्रकारिता को प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में ही जो है इसे स्पेस, पर्याप्त स्पेस दिया जा रहा है और पाठक और दर्शक भी पर्याप्त मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक अच्छे प्रारूपण की विशेषताएं बताइए। तो एक अच्छे प्रारूपण में विशेषज्ञों ने निम्नलिखित विशेषताओं का होना आवश्यक बताया है। तो सबसे पहले इसमें शुद्धता होनी चाहिए। मतलब शुद्धता अति आवश्यक माना जाता है क्योंकि शासकीय पत्रों में संदर्भ, दिनांक, क्रमांक आदि तनिक सी भी गलती भूल नहीं होना चाहिए। सरकार और संबंधित कर्मचारी के लिए अत्यंत महंगी पड़ सकती है। शुद्धता के अभाव में पत्र लिखना शासकीय कर्मचारी अधिकारी को जो है वो निलंबित भी किया जाता है, मतलब सेवा मुक्त भी किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद होता है पूर्णता। तो आपके पत्र में जो है वो पूर्णता होनी चाहिए। प्रारूप में पूर्णता इसलिए होनी चाहिए, आवश्यक है कि अर्ध सरकारी कर्मचारी के प्रायः आवश्यक इसलिए कि सरकारी कर्मचारी के प्रायः एक प्रभाग से दूसरे प्रभाग में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर तबादले होते रहते हैं। तो प्रारूप में यदि पूर्णता है तो नए आने वाले कर्मचारी को फाइल देखने में सारा मामला समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद आता है कि ये जो होती है वो सूचनाएं, संदर्भ और तथ्य सब कुछ अपने आप पूर्ण रूप से उसमें स्पष्ट होना चाहिए। यथा तथ्यता और औपचारिकता शासकीय पत्रों, पपत्रों, प्रपत्रों, सूचनाओं आदि में भाषा की सादगी अपेक्षित होती है। अलंकार पूर्ण, कवित्व पूर्ण वक्रोक्ति भाषा प्रारूप में वर्जित होती है। जो बात कही जाए वह पूर्णता तथ्य पर आधारित हो, मतलब सत्य पर आधारित होना चाहिए, तर्क पुष्टि होनी चाहिए और प्रारूप की भाषा पढ़ने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि प्रारूपकार एक वकील की भांति किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विभिन्न तर्क और साक्ष्य देता जा रहा है। प्रारूप की भाषा गवारूपन में नहीं होनी चाहिए, भाषा शिष्ट होनी चाहिए,
चाहिए, जनोचित हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। प्रारूपण की वाक्य रचना अधिकांशतः अन्य पुरुष में प्रत्यक्ष कथन के रूप में की जाती है। जहाँ उत्तम पुरुष में हम का प्रयोग होता है, वहां भी ये दोनों शब्द व्यक्तिवाचक ना होकर पदवाचक होते हैं। अगला है संक्षिप्ति। प्रारूपण में लंबी चौड़ी हाँकने की हद नहीं होती है। जो कुछ भी कहना हो सब कुछ साफ साफ कहा जाए और कम शब्दों में कहा जाए। प्रारूप में यह जरूरी होता है कि संक्षिप्तता प्रारूपण का एक महत्वपूर्ण गुण होता है, परंतु प्रारूप में संक्षिप्तता का निर्वाह करने के लिए प्रारूपकार को विषय का समन्वय ज्ञान और भाषा का अधिकार होना चाहिए। भाषा पर जो है उसका अधिकार होना चाहिए। पारंपरिक शैली का अनुसरण अगला पॉइंट है। तो पारंपरिक शैली का अनुसरण प्रारूप लेखन में एक निश्चित प्रणाली निर्धारित होती है, जिसके इसमें एक निश्चित वाक्यावली का प्रयोग किया जाता है और इसके लिखने के नियम भी परंपरागत रूप से निश्चित से रहते हैं। प्रारूप लेखन में इन सभी का उपयोग अपेक्षित रहता है। विभिन्न प्रकार के पत्रों का स्वरूप अलग अलग ढंग का होता है। इसका कारण वे रूढ़ी नियम हैं जो कार्यकाल पत्राचार की पद्धति की दीर्घ परंपरा से विकसित हुए हैं और कोई भी प्रारूप लेखक इन नियमों का उल्लंघन करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, इसके बाद शिष्टता। तो इसमें विनम्रता, स्पष्टता पूर्ण भाषा होना चाहिए। यदि ऐसे अवसर पर अशिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाएगा तो संबंधित व्यक्ति को उस भाषा से मानसिक आघात लग सकता है। तो इसकी शैली जो होती है वो औपचारिक शैली होती है। इसको तैयार करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद आता है आपका टिप्पण का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषताएं लिखिए। टिप्पण के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। टिप्पण जो होता है वो क्या होता है, विद्वानों ने टिप्पण के उद्देश्यों पर विचार करते हुए क्या कहा है, निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए हैं कि किसी समस्या को निपटाने के लिए इसी कार्यालय में किए गए समस्त विचार एवं कार्यवाही का लेखा जोखा रखना चाहिए टिप्पण में। और उसके बाद उसका ये उद्देश्य होता है कार्यालय की प्रगति के लिए सामूहिक चिंतन एवं जिम्मेदारी की भावना को बनाए रखने के लिए, जिससे किसी मामले में व्यक्तिगत पक्षपात ना हो और गलत निर्णय ना हो। समस्या को सुलझाने के लिए उचित अनेक विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प को चुनने का अवसर देने हेतु किया जाता है। नीति निर्धारण हेतु अधिकारियों को सामान्य कर्मचारियों के विचारों एवं मार्गदर्शन प्राप्त होता है। इसकी परंपरा बनाए रखने हेतु अच्छे टिप्पण की जो विशेषताएं होती है वो क्या होती है, समस्या का समाधान। टिप्पणकर्ता को टिप्पणी लिखते समय विचाराधीन समस्या का समाधान करना होता है, उचित सुझाव प्रस्तुत करना होता है और उचित माना जाता है कि यदि कई सुझाव प्रस्तुत किए जाए तो सर्वोत्तम विकल्प की और संकेत कर देना भी उचित होता है। पूर्वापर क्रमयुक्तता टिप्पण कर्ता को विचार प्रकट करने में पूर्वापर क्रम में कार्यवाही क्रम का क्रमिक उल्लेख किया जाता है। उचित माना जाता है कि एक अच्छा टिप्पणकर्ता पूर्ववर्ती कार्यवाही के साथ वर्तमान में चल रही कार्यवाही तथा भविष्य में अपेक्षित कार्यवाही की ओर टिप्पण संकेत कर सके। विषय का उपविभाजन। अच्छा टिप्पणकर्ता जो होता है वो विभिन्न दृष्टियों से विचार करते हुए पत्र के विषय में उपविभाजन करता है और टिप्पण करते हुए पहले अनुच्छेद के बाद के अनुच्छेदों पर क्रमशः से प्रारंभ करके आगे का क्रम अंकित करता है। इसके बाद आपका अगला पॉइंट आपका फोर्थ नंबर वाला जो है वो है पुनरोक्ति से मुक्त। अच्छा टिप्पणकर्ता टिप्पण में पुनरोक्ति से बचता है। पुनरोक्ति मतलब कि बार बार रिपीट करना। टिप्पणकर्ता के लिए इस दोष से बच पाना तभी संभव हो सकता है जबकि वह विषय को समझने और समझाने की क्षमता रखता हो और भाषा पर उसका जो है वो पूर्णता अधिकार हो। फिर आता है आपका अगला पॉइंट व्यक्तिगत आक्षेपों से मुक्त। एक अच्छा टिप्पणकर्ता टिप्पणी लिखते समय इस बात का ध्यान रखता है उसकी टिप्पणी से कार्यालय के किसी कनिष्ठ वरिष्ठ और अधिकारी पर व्यक्तिगत आक्षेप ना हो और अतः अच्छे टिप्पण में व्यक्तिगत आक्षेपों का अभाव पाया जाता है। संक्षिप्तता अगला पॉइंट है संक्षिप्तता एवं स्पष्टता। तो अच्छा टिप्पण संक्षिप्त एवं स्पष्ट होता है, अतः टिप्पणकर्ता को भाषा के प्रयोग में व्यत्ययी होना चाहिए। इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम शब्दों में वो अपनी बात कह सके और अपने विचाराधीन विषय को टिप्पण से सुस्पष्ट रूप में
सुस्पष्ट रूप में रखना चाहिए। इस टिप्पण से अच्छे टिप्पण की भाषा अत्यंत सरल एवं बोधगम्य होती है। अगला पॉइंट आता है आपका संयत। तो भाषा का प्रयोग अच्छे टिप्पण में सदैव संयत भाषा का प्रयोग किया जाता है। संयत भाषा में द्विअर्थक शब्दों का प्रयोग वर्जित है जिनके दो अर्थ निकलते हैं। अगला पॉइंट है अन्य पुरुष शैली का प्रयोग। अच्छे टिप्पण में किसी विषय पर विचार प्रकट करते हुए टिप्पणकर्ता उत्तम पुरुष में हम जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता है। एक अच्छे टिप्पण में तृतीय पुरुष अर्थात अन्य पुरुष की वाक्य रचना ही उचित मानी जाती है। इसके बाद आपका अगला जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न आता है आपका अगला कि समाज सेवा का वास्तविक स्वरूप क्या है। समाज सेवा का वास्तविक स्वरूप क्या है, ठीक है। तो नैतिकता का भाव जिसके अंदर कूट कूट कर भरा हो वे ही समाज सेवा के श्रेष्ठ उदाहरण है। जो फल अनेक प्रकार की तपस्याओं साधनाओं उपासनाओं से प्राप्त नहीं हो पाता है वह सेवा द्वारा सहज ही प्राप्त हो जाता है। हमारे ऋषि मुनि अवतारी जो पुरुष थे वो उनके जीवन का मंत्र क्या था, सेवा ही है उनके उनके जीवन का मंत्र था कि नर की सेवा जो है वो नारायण सेवा है, उनका ध्येय वाक्य जो है वो रहा है। सेवा कार्य हेतु किसी निवेश योग्यता या धन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आवश्यकता है तो केवल प्रबल इच्छा की, कर्तव्य परायणता की, और दूसरा उसका दूसरा नाम जो होता है क्या होता है, समाज सेवा ही होता है। समाज सेवा का प्रारंभ माता पिता की सेवा से ही किया जाना चाहिए। वहीं से सेवा का पाठ पढ़कर व्यक्ति समाज तथा राष्ट्र सेवा का व्रत ले सकता है। अपने घर में दीपक जलाकर ही दूसरों के घर में रोशनी करने की चिंता करनी चाहिए, मतलब पहले अपने घर से ही इसकी शुरुआत होनी चाहिए। यही है सेवा भावना का यही से सेवा भावना का विस्तार होता है। घर हो या बाहर हो, विद्यालय हो या बाजार हो, सेवा तो प्रत्येक स्थान पर खड़ी होकर हमें पुकारती है। मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर की पूजा होती है। कभी कभी देवीय प्रकोप और अप्रत्याशित आपदाएं आ जाती है जिससे हमारे देशवासी संकट में पड़ जाते हैं। ऐसे समय में हमें राहत कार्यों में तन मन और धन से सहयोग करना चाहिए। इस मिट्टी से तिलक करो या धरती है बलिदान की, इस भावना के साथ हजारों बार राष्ट्रभक्तों ने अपने शीश चढ़ाए हैं। सेवा का भाव केवल समाज तथा राष्ट्र तक ही सीमित नहीं रहकर वह मानव पशु पक्षी प्रकृति संस्कृति सभी के प्रति होना चाहिए। सेवा का यही भाव जो है वो विश्व बंधुत्व की भावना को पुष्ट करता है। इसके बाद अगला आपका आता है बौद्ध के पंचशील सिद्धांत का नैतिक स्वरूप समझाइए। तो आज के समाज में सम्यक दिशा प्रदान करने में बौद्ध पंचशील सिद्धांत पूर्णतः सक्षम है। विश्व बंधुत्व एवं विश्व प्रेम का एकमात्र यही सम्यक साधन है, और एक ओर तो विश्व शांति एवं सद्भाव के लिए उपयोगी है, तो दूसरी ओर जन सामान्य एवं भिक्षु सभी जड़ों के लिए यह उपयोगी है। पंचशील का आशय होता है, मतलब पंचशील में जो है वो पांच सिद्धांत होते हैं, अहिंसा सत्यवादिता ब्रह्मचर्य चोरी न करना और मद्यपान निषेध। आज के समाज में इन मूल्यों का सुख एवं शांति की इन मूल्यों के लिए सुख एवं शांति की स्थापना का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, मतलब ये सारी चीजें जो है वो होना चाहिए। अब अगला प्रश्न आपका आता है राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर क्या है। तो ये सामान्य सी बात है, राजभाषा मतलब जो राज्य में बोली जाती है और राष्ट्रभाषा मतलब जो संपूर्ण राष्ट्र में बोली जाती है। तो राजा या राज्य की भाषा वह भाषा जिसमें शासक या शासन का काम होता है, और राष्ट्रभाषा वह है जिसमें जो है जिसका व्यवहार राष्ट्र के सामान्य जन करते हैं। राजभाषा का प्रयोग का क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है, जैसे वर्तमान काल में भारत सरकार के कार्यालय एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में व्यवसायों के अतिरिक्त कुछ प्रादेशिक सरकारी हरियाणा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिहार राजस्थान दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में राजकाज हिंदी उनका जो प्रदेश में जो राजकाज हिंदी में ही होता है। तमिलनाडु बंगाल महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश की सरकारें अपनी अपनी भाषा में कार्य करती हैं, हिंदी में नहीं। राष्ट्रभाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है और देशव्यापी होता है। राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा होती है। राष्ट्रभाषा के साथ जनता का भावनात्मक लगाव होता है क्योंकि उसके साथ जनसाधारण की संस्कृति परंपराएं जुड़ी रहती है। राजभाषा के प्रति वैसा सम्मान हो सकता है लेकिन नहीं हो पाता है क्योंकि वो एक राज्य विशेष की होती है, क्योंकि वह अपने देश की
वह अपने देश की भी हो सकती है, किसी गैर देश से आए शासक की भी हो सकती है। अकबर के समय से लेकर मैकाल के काल तक फारसी राजभाषा रही और स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले अंग्रेजी थी, अब भी है। देश की संस्कृति से राजभाषा का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। राष्ट्रभाषा सदा कोई स्वदेशी भाषा ही होगी। भारतीय जनता के व्यवहारों का आदान प्रदान फारसी या अंग्रेजी में निश्चित ही नहीं होता है, न अब हो सकता है। राजभाषा की अभिव्यक्ति सीमित विषयों तक होती है, विधि, सरकारी परिवहन, प्रशासन आदि, और यह अभिव्यक्ति क्रमशः रूढ़ और रुक्ष हो जाती है। इसमें लालित्य, मुहावरेदार या शैली वैविध्य का कोई स्थान नहीं है। प्रत्येक कार्यालय में बनी बनाई शब्दावली है, वाक्यों का एक धर्रा है। राष्ट्रभाषा का संबंध जीवन के प्रत्येक पक्ष से है। राजभाषा राष्ट्रभाषा पर अपना एक प्रभाव डालती है। कारण यह है कि जो भी भाषा राजभाषा के पद पर आसीन होती है, लोग उसी में शिक्षा पाना आवश्यक समझते हैं। रोजी रोटी, सामाजिक प्रतिष्ठा, भौतिक लाभ के लिए युवा वर्ग में उसी भाषा का बोलवाला होता है। शासक की भाषा का अनुकरण होने लगता है। कचेरी और सरकारी कार्यालयों में संपर्क रखने वाले लोगों के द्वारा वह ही भाषा जनसाधारण में प्रचलित होती है। यह अंतर होता है हमारा राष्ट्रभाषा और राजभाषा में। अगला देखेंगे हम, संक्षिप्ति का उदाहरण देते हुए परिभाषा लिखी है। संक्षिप्ति का मतलब होता है छोटा रूप। अभिव्यक्ति की सुविधा की प्रवृत्ति से उपजी एक कला है। अंग्रेजी का हस्व स्वर इसका एक उदाहरण है, जो संक्षिप्त की कलात्मक शक्ति को प्रमाणित करता है। इसका संपूर्ण अर्थ है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। संक्षिप्ति शब्द भाषा प्रयोग में प्रकरण का एक भाग है। इसका अर्थ शब्दों के संक्षिप्त रूपों से है। संक्षिप्ति की परिभाषा है शब्दों के वे संकेत या चिन्ह जो कालांतर में अपने आप में शब्दों की तरह प्रयुक्त होते हैं, संक्षिप्ति कहलाते हैं। जैसे भाजपा मतलब भारतीय जनता पार्टी, तो ये इसका संक्षिप्त रूप है ना। भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का भाजपा जो है वो क्या है, संक्षिप्त रूप है। इसका जो इसके दो उदाहरण है वो मैं बताती हूँ आपको। एक मौखिक संक्षिप्ति होता है और एक लिखित संक्षिप्ति होता है। तो इसके अंतर्गत जो है, जो रूप बोलचाल में प्रचलित होता है उसी रूप में लिखा जाता है। जैसे भेल, द्रमुक, यूजीसी, ये क्या है, ये जो है VHEL जो होता है भेल, वो उसका ये संक्षिप्त रूप है इसका, ठीक है। इस तरह मौखिक रूप में भी हम संक्षिप्ति का उपयोग करते हैं। इसके बाद जो आता है लिखित, तो संक्षिप्ति के इस रूप के अंतर्गत जो लिखा जाता है वह वैसा पढ़ा जाता है, वैसा पढ़ा नहीं जाता है सॉरी, बल्कि उसका मूल शब्द पूरा पढ़ा जाता है। जैसे महाविद्यालय लिखते हैं हम, तो उसके आगे डॉट बना देते हैं महा लिख करके, तो आप जब पढ़ोगे तो उसको पूरा पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, महाविद्यालय। बीजेपी लिख रहे हैं हम, तो बीजेपी जो है उसका संक्षिप्त रूप है, हमको क्या पढ़ना है उसको, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। ये होता है आपका संक्षिप्ति। इसके बाद जो है मैं आप लोगों को, आपका पेपर है 1 तारीख को, आपके पेपर के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत अच्छे से करिएगा और पेपर सॉल्व करते समय बड़ी शांति से और सब कुछ सही सही लिखिएगा। और ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।